बीएड, बहुत सारे लोगों ने इस बार बीएड का एंट्रेंस दिया होगा और अपने एडमिशंस लेने को सोच रहे होंगे, लेकिन वहीं पर बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने बीएड का एंट्रेंस नहीं दिया और वो भी अपने एडमिशन लेने को सोच रहे हैं, क्योंकि आपने भी सुना होगा डायरेक्ट एडमिशन। तो आज का ये वीडियो है डायरेक्ट एडमिशन, हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, अगर हम लेते भी हैं तो कहाँ से लें डायरेक्ट एडमिशन, या कहाँ से ना करें बीएड, कहाँ से करें कहाँ से ना करें, वो सारी बातें आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं एडमिशन लेने के बाद फंस जाते हैं और उनका कैरियर दांव पे आ जाता है, कहीं ना कहीं उनके पैसे और उनके टाइम्स सारी चीज़ें बेकार हो जाती हैं। तो यह वीडियो 5 मिनट का लेकिन आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल, अगर आप बीएड कर चुके हैं या आप कर रहे हैं तब भी आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है, क्योंकि आप किसी को बता सकते हैं जो आपका साथी हो, जो आपके घर का मेंबर हो, अगर कोई भी बीएड करने जा रहा है तो बीएड करने के पहले इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास वीडियो है, तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम ऐसे अपडेट आपको अपने चैनल पर लाके देते रहते हैं, तो यह चैनल आप सभी के लिए बहुत खास चैनल है। चलो गाइस, बात कर लेते हैं कि हमें डाट एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। यहां पर डाट एडमिशन की अगर बात की जाए, जो लोग बीएड का एंट्रेंस दे चुके हैं वो लोग तो अपना काउंसलिंग के तहत अपने एडमिशंस कहीं से भी करा लेते हैं। आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिला तो गवर्नमेंट कॉलेज, या प्राइवेट कॉलेज मिला तो प्राइवेट, आप अपने एडमिशंस ले लेते हैं। लेकिन जो बच्चे बीएड का एंट्रेंस ही नहीं दिए हैं और वो चाहते हैं कि हम बीएड करें, तो कहीं ना कहीं अगर वो एंट्रेंस का वेट करते हैं तो उनका एक साल बेकार होता है। अगर वो एंट्रेंस का वेट नहीं करते हैं और चाहते हैं कि हम इसी सत्र में अपना एडमिशन लें तो भी डायरेक्ट एडमिशन के तहत अपना एडमिशन ले सकते हैं, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बस एडमिशन लेते वक्त आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। जब भी आप एडमिशन ले रहे हैं आपको कॉलेज के बारे में कंप्लीटली पता होना चाहिए कि वो कॉलेज कैसा है, क्योंकि बेसिकली होता क्या है, जब भी आप अपना एडमिशंस लेते हैं डायरेक्ट एडमिशन, तो बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जहाँ पर आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। लेकिन जो टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पर आपको पता है उनके बारे में सारी चीज़ें बेहतर हैं, वहीं पर आप अपना एडमिशन लीजिएगा। किसी ऐसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मत लीजिएगा जिसका रिप्यूटेशन पहले से बेकार है, पता लगा वहाँ पर 100 सीट है और उन्होंने 200 एडमिशंस ले लिए हैं, तो ऐसे केस में आप बहुत प्रॉब्लम में फंस जाएंगे बाद में जब आप वहाँ से बीएड कर रहे होंगे। क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पर सीटें कम होती हैं लेकिन एडमिशन वो बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, तो वहाँ पर बच्चों के लिए प्रॉब्लम्स आ जाती है। जब भी आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अपने एडमिशंस ले रहे हैं तो आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशंस ले रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है, उसका वैल्यू ठीक है मार्केट में कि नहीं है। पता लगा कि आपने ऐसे यूनिवर्सिटी से एडमिशन ले लिए जहां पर सीटें तो 200 हैं लेकिन एडमिशंस 200 हो गए या 300 हो गए, उन्होंने कुछ ज़्यादा ही एडमिशन ले लिया, तो ऐसे यूनिवर्सिटी में आपको बाद में प्रॉब्लम्स आ सकती है। लेकिन हम आपको प्रिफर करेंगे जब भी आप अपने डायरेक्ट एडमिशंस ले रहे हैं तो आप स्टेट यूनिवर्सिटीज़ या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ही अपने एडमिशंस लीजिए। मेरी तरफ से आप सभी के लिए सुझाव होगा, जब भी आप अपने एडमिशंस ले रहे हैं डायरेक्ट एडमिशंस के तहत तो आप स्टेट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ही अपने एडमिशंस लीजिए, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं जो NCTE के लिए अप्रूवल के लिए अपनी फाइल्स लगाते हैं लेकिन उनको अप्रूवल आगे से नहीं मिलता और एडमिशन लेना शुरू कर देते हैं और बाद में उन बच्चों के साथ प्रॉब्लम आ जाती है जिनके वो एडमिशंस ले चुके हैं। तो इसलिए जब भी आप एडमिशंस लें स्टेट यूनिवर्सिटी में लें या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। अब जैसे अगर हम स्टेट यूनिवर्सिटी की बात कर लें तो हम अपने इस चैनल पे CCS के बारे में बात करते हैं। CCS के तहत अगर देखा जाए तो बहुत सारे कॉलेज हैं जहां पर आपके डायरेक्ट एडमिशंस हो सकते हैं। CCS आपका रजिस्ट्रेशन जो है ओपन करता है उन कॉलेजों के लिए जो माइनॉरिटी में आते हैं, माइनॉरिटी के लिए बहुत सारे कॉलेज हैं उनके लिए जो है CCS अपना रजिस्ट्रेशन ओपन करता है, उस रजिस्ट्रेशन के तहत आप अपना डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। अब जब माइनॉरिटी की बात आ जाती है तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जनरल या OBC में आते हैं, वो सोचते हैं कि हम तो आते नहीं माइनॉरिटी कोटा में, हम तो अल्पसंख्यक में है नहीं, तो हमारे एडमिशंस कैसे होंगे। वहां पर माइनॉरिटी में आपके एडमिशंस हो सकते हैं, आप किसी भी कैटेगरी से हैं उसका मैटर नहीं है। जो भी हमारे कॉलेज माइनॉरिटी में आते हैं उनका रजिस्ट्रेशन जब ओपन होता है तो उस रजिस्ट्रेशन के तहत आप अपना डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो आप वहां पर एडमिशन ले सकते हैं। यहां पर एडमिशन लेने से कुछ फायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। अगर नुकसान की बात की जाए तो नुकसान आपका यही है, अगर आप माइनॉरिटी कॉलेज में अपने एडमिशन लेते हैं तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, ये आपका सबसे बड़ा लॉस होता है और यही आपका लॉस है। बाकी अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो कहीं ना कहीं अगर आप एंट्रेंस के लिए बैठते हैं तो आपको एक साल वेट करना पड़ता है और वहीं पर अगर आप डायरेक्ट एडमिशन ले लेते हैं तो आपका टाइम बच जाता है और आपको आपके हाथ में आपकी बीएड की डिग्री होती है और इस डिग्री का वैल्यू उतना ही है जितना सबका है, बिल्कुल भी आपको निश्चिंत रहना है। बस एडमिशन जहां लीजिएगा वहां पर आपको ध्यान देके लेना है, जिन कॉलेज के बारे में आपको पता है उन्हीं कॉलेजों में एडमिशन लीजिएगा, नहीं तो यहां पर फंसना हो जाता है। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि फंस जाते हैं बाद में
और उनको तमाम तरह की प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है। सो आई होप कि गाइज आप सभी को समझ में आ गया होगा कि डैट एडमिशंस आपके हो सकते हैं, बस जब भी एडमिशंस लें ध्यानपूर्वक लें, अच्छे कॉलेज का सिलेक्शन करें, स्टेट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी को प्रेफर करें, उन्हीं यूनिवर्सिटीज में आप जाके अपने एडमिशंस लें, या जो भी माइनॉरिटी के कॉलेज हैं जहाँ पर उनके रजिस्ट्रेशन ओपन होते हैं तो उसके तहत भी आपका डैट एडमिशन हो सकता है, बस आप स्कॉलरशिप की फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। तो उन कॉलेजों में जाके आप अपने एडमिशंस लेके बीएड कंप्लीट कर सकते हैं और ये आप सबके लिए बेहतर है जो बच्चे एंट्रेंस नहीं दिए हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियोज अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि हर एक बच्चे के पास ये वीडियो पहुंचे जो बच्चा बीएड करने वाला है उसको इसके बारे में पता होना चाहिए। सो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।